हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं पनीर पसंदा। इस वीडियो में मैं आपको सारे टिप्स बताऊंगी कि कैसे पनीर पसंदा नॉर्मल पनीर की सब्जी से अलग होती है। सबसे पहले पनीर की स्टफिंग रेडी करेंगे। इसके लिए मिक्सी में धनिया, हरी मिर्च, नमक, पीनट्स और थोड़ा पानी डाल के फाइन पेस्ट बना लेंगे। अभी थोड़े से पनीर को हाथ से क्रश करके ऊपर पेस्ट डाल के सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। मेन थिंग, पनीर हमने फ्रिज से निकाल के रखा था ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। अगर पनीर हार्ड होगा तो वो टूट जाएगा। मैंने यहाँ 2 50 ग्राम पनीर लिया है जिसके मैंने 6 बड़े पीसेस में कट किया है। अभी इसे बीच में से कट करना है, इसे एंड तक कट नहीं करना। फिर बीच में इसे ग्रीन पेस्ट डालें और पनीर को हम एंड में सेलो फ्राई करेंगे। अभी बनाएंगे इसकी करी। इसके लिए गरम ऑयल में ये सारे होल स्पाइसेस डाल के ऑनियन और लहसुन को फ्राई कर लेंगे। पनीर पसंदा में करी थोड़ी सी रिच होती है तो इसमें काजू जरूर से डालें। अभी टमाटर और सॉल्ट डाल के 2 मिनट पकने दी। फिर हमें इसे ग्राइंड करना है और फाइन पेस्ट बनाएंगे। अभी कढ़ाई में थोड़ा ऑयल और बहुत सारा बटर डाल के अपनी पेस्ट डाल दे। बाकी सारे मसाले जैसे कि नमक, लाल मिर्च, गरम मसाला और थोड़ी हल्दी डाल के सबको मिक्स करके 5 मिनट पकने देंगे। करी में सबसे ऊपर डालेंगे कसूरी मेथी और क्रीम। करी हमारी रेडी है तो अभी पनीर को फ्राई करेंगे। तवे पे थोड़ा सा बटर और पनीर के पीसेस रखेंगे और ब्राउन होने तक इसे सेलो फ्राई करेंगे। अभी इसे दूसरी तरफ भी सेक लेंगे। चलिए अभी इसकी प्लेटिंग करते हैं।